गोरखपुर जिले में मंगलवार को 177 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 97 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 19, गोरखनाथ में 15, कोतवाली में 17, तिवारीपुर में 2, रामगढ़ताल में 8, राजघाट में 2 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 34, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 67 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगावा में 14, होराबार में 18, उरवा में 5, भटहट में 2, पाली में 1, खजनी में 2, गोला में 4, पिपराइच में 6, सहजनवा में 2, बढ़लगंज में 3, कैंपियरगंज में 2, पिपरौली, बेलघाट, कौड़ीराम, सरदार नगर और बासगांव थाना क्षेत्र में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 13 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एक 85 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 22,424 हो गई है। इसमें 369 की मौत हो चुकी है, 21,289 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 766 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।